नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जो वादा किया 2022 में, अब 2023 में लेंगे शपथ, और शपथ लेने के बाद वादा को पूरा करना होगा, नहीं तो 5 साल के बाद जनता फिर मिलेगी और आपके कुर्सी से आपको उतार दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन था शपथ का दिन, जिन्हें 2022 में वार्ड पार्षद, मेयर, उपमेयर के पद के लिए दरभंगा की जनता ने बड़े प्यार से कुर्सी पर बैठाया, कहा कि जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए, नहीं तो अगला 5 साल फिर उसी कुर्सी से उतार दिया जाएगा। आज शपथ का दिन था जिसमें मेयर, उपमेयर, वार्ड पार्षद सभी ने शपथ लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सभी मौजूद हैं। आपको बता दें, जब हमने इन सभी से बात किया तो इनका कहना था कि जनता जिस उम्मीद के साथ हम लोगों को यहाँ भेजी है, हम लोग उम्मीद पर खड़े उतरेंगे और हमेशा जनता के हित के लिए काम करेंगे और कोशिश रहेगी अपने अधिकार क्षेत्र से दरभंगा का जितना से जितना हो सके विकास हो। जनता की जो समस्या है, दरभंगा की जो समस्या है, जो भी समस्या है, सभी को इम्पोर्टेंस समझ कर सभी का निदान किया जाएगा। देखते हैं, वार्ड पार्षद के हाथों में, मेयर उपमेयर के हाथों में 5 साल की कमान है, क्या वह जनता को खुश कर पाती है या जनता अगली बार तख्ता पलट कर देती है। पढ़ के अच्छे से समझ के उसके बाद सारी समस्याओं का आज आपने पहला शपथ लिया उप महापौर के पद से दरभंगा नगर निगम में, क्या संदेश दीजिए और क्या शपथ लिया है आपने? मेरा संदेश बस इतना ही है, अपने पूरे आवाम के साथ, खासतौर से अपने मिथिला के पूरे आवाम के साथ, मेरे गार्जियनों के साथ, मेरे युवाओं के साथ, कि जिन्होंने जिस उम्मीद से मुझे इस जगह पर भेजा है, नगर निगम में भेजा है, बस उनका अपने यानी कि मिथिलांचल का पूरा विकास करने का पूरा उद्देश्य यही है कि जो चीज़ हमारी जो कमी बेसी है उस चीज़ को पूरा करना, जो हमारे विकास यानी कि जो उनका अधिकार है, जो हमारे नगर निगम का मेन अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए था, ये मेन उद्देश्य लेकर के मैं वहाँ पे जा रही हूँ। संकल्प भी मैंने कसम भी वही चीज़ खाया है कि मैं अल्लाह और खुदा को और अपने ईश्वर को मान करके मैं शपथ लेती हूँ कि मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगी, बस यही। पुनः आप पार्षद बनी हैं, दूसरी बार आपकी ये विजय है, क्या कहेंगे? अब जो काम पिछली बार आप लोग नगर निगम के गेट पर कई दिनों अकेले बैठे हुए थे धरना पर, क्या वो पूरा होगा? हाँ, जो रुका हुआ काम है वो पूरा करूंगी मैं, जो जनता के साथ मैं वादा की हूँ वो मैं पूरा करूंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं जनता को कि फिर से हमें दोबारा मौका दिए हैं, जीत कर मैं आई हूँ और उनके वादा को मैं पूरा करूंगी। क्या नाम है? क्या नाम? वार्ड संख्या। चुनाव प्रचार प्रसार में आपको हमने देखा भी था, बड़ी मेहनत से प्रचार प्रसार कर रहे, रिजल्ट कैसा आया? बहुत अच्छा आया है, सारे जनता जनार्दन का समर्थन रहा। पहली बार बनी है क्या पार्षद? पहली बार। जो शपथ ग्रहण में अभी आप आए, आपने भाग लिया, ये कैसा अनुभव रहेगा आपका? ये लोगों के प्रति सेवा भाव का अनुभव रहेगा और जिस तरह से लोकतंत्र के दौर में जनता जनार्दन ने मेरा समर्थन किया है उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ सेवा भाव से पूरा करूंगी। वार्ड में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र में? हमारे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या गरीब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के है, जो कि हमारे वार्ड की मिडिल स्कूल को दूसरे वार्ड में ट्रांसफर करा दिया गया है, ऐसा सा स्कूल में। सबसे पहले मैं उस पर कार्य करूँगी। नाम बताइए।
सोनीपुर वार्ड वार्ड नंबर 11। क्या कहेंगे नफीसुल हक साहब, आपने आज शपथ लिया है एक नए वार्ड में जा करके, वार्ड 21 से आपने जीत किया है, वहाँ की जनता ने भरोसा किया है आपको, क्या कहेंगे उस? देखिए पहले तो मैं वार्ड नंबर 30 और 31 की जनता का तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद जिन्होंने हमको इतने मजबूती के साथ अपना वोट दिया और हमको आज नगर निगम भेजने का काम किया हमें और हमारी पत्नी वार्ड नंबर 30 जीनत परवीन को। तो मैं उन सभी वार्ड नंबर 30 और 31 के सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस भरोसे के साथ मुझे वोट दिया है आपके उस भरोसे को मैं तोड़ूंगा नहीं। जो भी वार्ड नंबर 30 और 31 में जो भी विकास का काम रुका हुआ, चाहे वो सड़क हो, नाला हो या जो भी, उन सब चीज़ों को, वृद्धा पेंशन, विधवा, जो भी काम हम लोगों के अंदर होगा उसको बढ़ चढ़ कर उन लोगों के साथ हम लोग मिलकर उसको काम करने का काम, हम लोग उसको उसके रास्ता को, विकास के रास्ते पर लाने का वार्ड नंबर 30 और 31 को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। स्थायी समिति में जाइएगा ये हम तो कह नहीं सकते हैं। कब तक गठन होगा ये गठन? तो हमारे महापौर माननीय श्री अंजू महाराज, श्रीमती अंजू महाराज जी बताएंगी। क्या उम्मीद है कब तक पहली बैठक होगी? अब तो पहले सशक्त स्थायी समिति का गठन हो जाए, कैबिनेट बन जाए निगम का, उसके बाद पहली बैठक होगी। और मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों का भी इस शहर को विकास के तौर, विकास के पटरी पर दौड़ाने के लिए आप लोगों का भी सहयोग की ज़रूरत है अंजू महाराज जी के नेतृत्व में, और सब छोटे बड़े जितने भी प्रतिनिधि हैं सब लोगों के साथ मिलकर शहर की विभिन्न समस्याओं का हम लोग निवारण करने की पूरी प्रयास करूंगा। धन्यवाद।